सबसे बड़ी बात है, ये कहा जाता है कि देश में 800 साल बाद हिंदुओं की सरकार आई है, कोई हिंदू राजा आया है। लेकिन हिंदू राजा के आने के बाद ना तो राम मंदिर बना, ना गाय सुरक्षित है, ना संत सुरक्षित है, ना हमारा देश सुरक्षित है। केरल में कर्नाटका के अंदर जैसे जैसे संतों का संहार किया जाता है, जिस तरीके से झूठे आरोपों के अंदर अंदर डाल दिया जाता है, और टीवी जो इसका एक हथियार बन गया, दिखाते देखिए कितनी बड़ी गाड़ी, इतने महंगे वो, इतनी इतनी लग्जरी। अरे आप वो भी तो देखिए भैया, जो गौशालाएं चलती हैं, जो वृद्ध गांव की सेवा करी जाती है, वृद्ध लोगों की सेवा करी जाती है, अनाथ आश्रम चलते हैं, 10 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, करोड़ों लोगों को निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, वो आपको दिखाई नहीं देती। 4 लोग या 6 लोगों की आड़ लेके 10 लाख लोगों पर इस प्रकार से प्रहार करना, ये राष्ट्र की जो नीति है, ये सरकार की जो नीति है, इसमें गहरा और गंभीर प्रश्न खड़ा करती है कि सरकार बताए कि सरकार है किसके साथ, धर्म के साथ है या विधर्म के साथ है। अभी पीछे सरकार ने घोषणा करी कि जो भी मुस्लिम संप्रदाय से कोई भी लड़की जो ग्रेजुएशन कर लेगी उसको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हिंदुओं की लड़की अगर ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसका क्या अपराध हो जाता है? मैं कहता हूं कि इस देश में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है इस पर ही कोई शराब लगा हुआ है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पर बैठता है वो हिंदुओं को गाली देना, हिंदू साधु संतों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। मनमोहन सिंह जी ने कहा देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देश के पहले संसाधनों पर जो हक है वो मुसलमानों का है, तो बताइए हिंदू अपना हक लेने कौन से देश में जाएंगे भैया। तो इस तरीके से की जो ये परिपाटी चली जा रही है, मेरा निवेदन है स्वामी चक्रपाणी मंच पे उपस्थित यहाँ पर सभी संतों के चरणों में कि भारत की इस 125 करोड़ जनता के मर्म और पीड़ा को समझते हुए इस बात को दबने ना दे। ये एक यज्ञ प्रारंभ हुआ है जो संत महासभा ने किया है, और इसके अंदर हर व्यक्ति को अपने अनुसार आहुति देनी है, चाहे वो श्रम से दे या कर्म से दे या कैसे भी दे। इस यज्ञ की अग्नि को हम बुझने नहीं देंगे। इसी बातों के साथ आपके सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि भाई आज जो भी इस मंच से शुरुआत होगी, आज जो आवाज निकली है वो बहुत दूर तक जाएगी। नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय श्रीमान अजय गौतम जी का, बड़े सुंदर विचार रखे हैं।